नमस्कार प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। यहाँ कबीर के और एक पद, यहाँ सीधा राम, राम कहाँ नहीं है, राम को कैसे ढूंढना, मतलब यहाँ लोगों की अज्ञानता के बारे में बहुत सुंदर कस्तूरी मृग से तुलना करके कबीर बहुत बढ़िया विस्तार से, क्योंकि बहुत संक्षिप्त छोटे छोटे पदों में इतने विस्तृत अर्थ अभिव्यक्त करने की क्षमता कबीर की है। और इसीलिए कबीर है तो कवि ही, मैं कवि संत इन सबसे ज़्यादा समाज सुधारक भी मैं मानता हूँ, क्योंकि समाज को सुधारने का कार्य उन्होंने किया, क्योंकि खुद रामानंद के शिष्य है, तो वो जो भी लिखता है तो अपने अपने कविता या दोहा या पद या साकी बनने में कोई अतिशयोक्ति नहीं, क्योंकि वो रामानंद के शिष्य हैं, क्योंकि रामानंद के शिष्य इतना साधारण थोड़े ही होते हैं। और अब देखेंगे, कस्तूरी कुंडली बसई मुर्ग ढूंढे बन माही, ऐसे गट गट राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ बताते देखिए, सबसे पहले जो कुंडली मतलब कुंडल में गट्टी, गट्टी मतलब प्रत्येक शरीर में देखे अनुभव करना है। हम सब जानते हैं कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, हम सब जानते हैं कस्तूरी जो मृग है उसकी कुंडली मतलब उनकी नाभि में ही बहुत सुगंध आते रहे, लेकिन वो सुगंध कहाँ कहाँ से आ रहे हैं बोल के पूरा वन में ऐसे हर जगह ढूंढती फिरती रहती हैं। तो एक उदाहरण है, लेकिन वो कैसे हो सकता है उससे हमारे कोई लेना देना नहीं है, तो एक उदाहरण है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कस्तूरी मृग की नाभि में विजम, कस्तूरी मृग देखिए, कस्तूरी मतलब जो सुगंधित है मृग की नाभि में विद्यमान रहती है, किंतु बेचारा मृग अज्ञानवश उससे बाहर वन में कोसता घूमता है। इसी प्रकार राम देख, ऐसे गट गट राम है दुनिया देखे नाही। राम कहाँ नहीं है, मतलब राम मतलब यह नारायण, श्रीमन नारायण। बार बार लोग कहते हैं कि राम के राम, कबीर के राम निर्गुण निराकार परब्रह्म स्वरूपम कहते हैं, अयोध्या राम नहीं कहते हैं, मुझको ऐसा नहीं लगता है, लेकिन वो निर्गुण है, लेकिन वो स्वीकार करें ना करें, लेकिन उनके राम तो राम है, चाहे निर्गुण हो सगुण हो, राम तो राम है और श्रीमन नारायण ही है। इसलिए यहाँ कबीर बढ़िया कहते हैं कि इसी प्रकार राम प्रत्येक व्यक्ति के गट में विद्यमान है। यहाँ तो हम बताते हैं परमात्मा की एक अंश विलीन होकर वहाँ से अलग होकर यहाँ आ जाते हैं, तो हम आत्मा, और आत्मा में भी राम है, आत्मा राम भी कहते हैं, तो राम कहाँ नहीं है, गट गट वासी है, मतलब हर जगह हर दृष्टि से जहाँ भी देखें हम भगवान को देख सकते हैं। लेकिन अधिकांशतः क्या होते हैं, प्रत्येक गट में मतलब हर जगह जीव जंतु जानवर सब में भगवान का, इस भगवद गीता में कृष्ण खुद बताते हैं स्वयं, क्योंकि इस दुनिया में 84 लाख प्राणियों की सृष्टि मैंने की, भगवान ने खुद स्वीकार कर लिया, तो हर चीज में हम भगवान का ही अंश है, भगवान कहाँ नहीं है, हर चीज में भगवान है। इसीलिए लेकिन हम अज्ञानवश जो अज्ञानता के कारण माया मोह के कारण हम भगवान को देख नहीं पाते हैं, और क्या करते हैं, भगवान को दर्शन करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं यहाँ बताते हैं। देखिए इसी प्रकार कबीर कहते हैं कि राम प्रत्येक व्यक्ति में रहने के बावजूद भी यहाँ के साधारण लोग क्या करते हैं, इसका अनुभव ना करके जहाँ जहाँ भगवान को ढूंढते ढूंढते मंदिर में तीर्थों में उसे कोसते फिरते जाते हैं। ये तो कबीर का सही है, क्योंकि मंदिर में, वो मंदिरों की बात मैं यहाँ नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन भगवान अपने अंदर ही है, मतलब दिल एक मंदिर कहते हैं, क्योंकि अगर ध्यान से देखें, अगर हम अपने अंदर तक जाके देखें, क्योंकि हमने अज्ञान को निकाल कर अहम भाव को परित्याग करके जब ध्यान से देखें तो भगवान हमारे अंदर ही नहीं संपूर्ण जीव जंतुओं में भी भगवान दिखता है, यही बात कबीर कहना चाहते हैं। इसलिए कस्तूरी कुंडली बसई मृग ढूंढे बन माही, अपनी नाभि में सुगंध को रख कर
ऐसे जंगल में वन वन कोसती फिरती रहती हैं कि कहाँ से सुगंध आ रही है बोल। ऐसे ही यहाँ मानव भी मूर्खता के कारण, अज्ञानता के कारण, ऐसे हमारे हर जगह जहाँ राम हैं उनको देखने के बजाय मंदिरों में, मतलब जहाँ जहाँ दूर स्थित तीर्थों में, मंदिरों में कोसते हुए जाते हैं। वास्तव में भगवान हमारे अंदर ही, कहना ही कबीर का उद्देश्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।